दोस्तों आपने नीला के बहुत से वीडियो को देखा होगा कि आपके छालों को नीला ठीक कर देता है। इसका थोड़ी सी मात्रा लेकर अगर आप पानी में डाल के कुल्ला करते हैं तो छाले ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई आपको ये नहीं बताता है कि नीला का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, नीला को शोधित कैसे किया जाता है और नीला से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज दोस्तों फायदा की जगह नुकसान ज्यादा करती है। दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि छाले कभी भी लगाने मात्र से ठीक नहीं होते हैं। छाले आपके पेट की गर्मी के कारण होते हैं, आंतों की गर्मी के कारण होते हैं, लीवर की गर्मी के कारण होते हैं। जब तक आप कोई दवा लीवर की गर्मी को कम करने की नहीं खाएंगे, आंतों की गर्मी को खत्म करने की नहीं खाएंगे, आपके छाले ठीक नहीं हो सकते, भले आप कुछ भी लगा लें। नीला टेम्परेरी रूप से लगाने में थोड़ी देर के लिए आपको फायदा करता है, क्योंकि ये घाव को सुखाने वाला, कीटाणुओं को नष्ट करने वाली, जो आपको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी फायदा होता है, उसके बाद आपके छाले और ज्यादा बढ़ते हैं। और अगर आपने नीला का ज्यादा प्रयोग किया तो आपके छालों में सूजन आना, आपके जीभ में सूजन आना, आपके होठों में सूजन आना, अगर ये पेट के अंदर चला गया दोस्तों तो आपके लीवर में भी सूजन आ सकती है, लीवर में घाव भी हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती हैं, आपको घबराहट बेचैनी भी हो सकती है। इसका प्रयोग दोस्तों शोधित करके किया जाता है, वैद लोग इसका शोधित करके इसका उपयोग करते हैं। सिंपली शोधन इसका कढ़ाई में डालकर या किसी तवे के ऊपर डालकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप में डाल के इसको जला लेते हैं और जली हुई राख को बहुत सूक्ष्म मात्रा में पानी में डाल के इसका कुल्ला करते हैं तो छालों में फायदा होता है। लेकिन दोस्तों छाले इससे ठीक नहीं होते हैं। छालों को ठीक करने के लिए आपको पेट की गर्मी को दूर करने की दवा लेनी होगी, जैसे कि बहुत सी दवाई पित्त को नष्ट करने की होती है, जैसे कामधुदा रस हुआ, सौंफ का अर्क हुआ, अजवाइन का अर्क हुआ और मोती भस्म हुई, शंख भस्म हुई, इनके साथ और भी दवाइयां आपकी कंडीशन के हिसाब से वैद्य आपको देता है। लेकिन दोस्तों अकेले अगर आप नीला का प्रयोग करते हैं तो आपके छाले कभी भी ठीक नहीं होंगे। नीला का प्रयोग दोस्तों वहां पर भी किया जाता है जहां पर किसी के ऊपर स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सल्फर फायदा नहीं कर रही है, गंधक फायदा नहीं कर रही है, गंधक से जिनके रोग बढ़ जाते हैं वहां पर नीला से बनी हुई दवा दी जाती है। नीला की एक दवा बनती है जिसको बोलते हैं सफेद भस्म, नीला की सफेद भस्म, जिसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं करेंट भस्म या गुरु भस्म। इसको जीप पे लगाने से जीप में करंट फील होता है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इसको एक चावल का चौथाई भाग उपयोग किया जाता है और ये पूरे रक्त को शोधित करने वाला, शरीर के विष को नष्ट करने वाला होता है। कैंसर जैसे रोगों में इसका प्रयोग बहुत अच्छा लाभ देता है। ये कोई ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा है, जो सूख नहीं रहा है, नीला को दूसरी जड़ी बूटियों में मिला के क्रीम बनाई जाती है दोस्तों, उसका प्रयोग करने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं। ब्लड कैंसर हो गया है या कोई और कैंसर हो गया है, नीला को दूसरी दवाइयों के साथ मिलाने से कैंसर में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा कोई इंफेक्शन जो पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा कीटाणु बना रहा है, पेड़ पौधों को खराब कर रहा है, वहां पर भी पेड़ पौधों में इसका छिड़काव किया जाता है पानी में मिलाकर। तो दोस्तों नीला का प्रयोग वैसे तो कीटनाशक के रूप में बहुत अच्छा लाभ करता है, लेकिन इसका प्रयोग डायरेक्ट लेने से बहुत नुकसान करता है। पेट के अंदर चला जाए तो नुकसान करता है, बिना शोधित किया हुआ नुकसान करता है, और अगर अपने से आप इसकी बिना जानकारी के प्रयोग कर रहे हैं तो भी यह नुकसान करता है। इसलिए इसका प्रयोग आप वैद्य की देखरेख में करें, वैद्य से यूज करें, वैद्य से लेकर करें और वैद्य से पूछकर करें, और इसके साइड इफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है वो भी जानकारी आप पहले कर लें। धन्यवाद दोस्तों।